हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये थर्सडे का क्लिप है इवनिंग का, और अभी शाम हो रहा था और मैं बना रही थी डिनर के लिए सब्जी। तो यहाँ पे मैंने गोभी तल लिया है, फ्राई कर लिया है गोभी को अच्छी तरह से, और आज मैं गोभी की सूखी सब्जी बनाऊँगी हल्का सा ग्रेवी वाली। तो यहाँ पे मैंने गोभी को छोटे छोटे पीसेस में कट लिया था और उसको फिर मस्टर्ड ऑयल में फ्राई कर लिया, और फ्राई करने के बाद फिर मैंने उसको निकाल लिया। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिट्टी के चूल्हे पे खाना, और ये एकदम विलेज स्टाइल में बना रही हूँ। तो ये मिट्टी का चूल्हा है, तो इसमें जो कोयला होता है ना उसी से मतलब जलाया जाता है लकड़ी और कोयला से, तो इसका आग इस तरह से होता है। तो उसी में आज खाना बना रही हूँ एकदम गांव की तरह से। तो यहाँ पे मैं सब्जी बना रही हूँ गोभी की। तो मेरा गोभी तो फ्राई हो गया है, अब मैं आलू फ्राई करूँगी। और खाना बनाते साथ साथ हाथ के हाथ वहाँ पे क्लीनिंग भी कर देती हूँ, और वहाँ पे डस्टबिन था तो उसी में सब सारे जो मैंने वेजिटेबल कट करके रखे थे तो उसको मैंने फेंक दिया है। और मेरे मम्मी घर में आपको चारों तरफ नल देखने को मिलेगा, यहाँ वहाँ वहाँ, मतलब कि हर जगह जहाँ भी आप जाओगे तो नल ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं प्याज भून रही हूँ, और प्याज मेरा भून के हो गया था रेडी। और यहाँ पे आलू मैं डाल दूँगी इसमें, और इसको भी भूनूँगी हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने के बाद। फिर उसके बाद फिर मैं मसाले ऐड करूँगी। तो ये मतलब कि सीजन में मैं पहली बार गोभी ऐसे बना रही हूँ अभी, जैसे कि अभी मौसम है नहीं है गोभी का, विंटर में ज़्यादा आता है गोभी, तो इस तो अभी मैं पहली बार ही बना रही हूँ। तो बहुत ही टेस्टी बनी थी ये सब्ज़ी, मतलब कि कोई भी अगर आप पहली पहली बार बनाओ तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पर मैं आलू भून लिया है, और यहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मैं क्या ही बताऊँ, और शाम को बारिश भी हुई थी बट फिर भी गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने मसाले पीस के रखे थे, अदरक लहसुन और काली मिर्च जीरा ये सब मिर्च, तो उसमें मैंने डाल दिया है। और फिर मैं डालूँगी हल्दी पाउडर, और इसको अच्छी तरह से भूनूँगी जब तक इसका तेल न छोड़ दे। आप लोग जानते हैं कि मैं किस तरह से बनाती हूँ सब्ज़ी, तो बहुत ही अच्छी बनी थी, टेस्टी वाली, यम्मी वाली। और चूल्हे पर का खाना तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है गैस और हीटर के मुकाबले, मुझे बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है चूल्हे पर का खाना। आप लोग भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अगर किसी के पास होगा भी तो वो लोग जानते होंगे कि चूल्हे पर का खाना कितना टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है टमाटर, और ये भी मैं साथ के साथ ही भून लूँगी। यहाँ पे हो गया है सब्जी भून के रेडी, और मसाले भी सारे भून गए थे, तो मैंने ऐड कर दिया इसमें गोभी और आलू। इसको पूरी अच्छी तरह से पक चुका है यहाँ पे पूरा। अब मैं इसमें हल्का सा पानी ऐड करूँगी, और ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखूँगी इसमें। और इस सीजन में फूलगोभी की सब्जी बहुत ही अच्छी लगती है, और जब ज़्यादा ग्रीन लगता है उस समय नहीं अच्छी लगती है। इसमें मैंने ऐड कर दिया है पानी, और मैं ऐड करूँगी इसमें गरम मसाला, ये पिसा हुआ जो मार्केट में मिलता है। और फिर उसके बाद ये सब्जी बनके हो गई है रेडी। थोड़ा सा उबाल आ जाएगा तो ये हो जाएगी सब्जी बनके रेडी। तो कैसा लगा फ्रेंड मेरा आज का ये गोभी का सब्जी रेसिपी? आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। यहाँ पे दिखा, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर। हेलो एवरीवन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं चूल्हे पे खाना बना रही हूँ, और ये विलेज स्टाइल में बना रही हूँ मटन कड़ी। यहाँ पे मैंने मटन डाल दिया है भूनने के लिए, आप लोग देख सकते हैं पूरा एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको भूनूंगी। ये
दूंगी यहाँ पे और भूनूंगी और इधर मैं निकाल लूंगी ये मसाले, जिसमें मैं निकाल लूंगी ये गोलकी जीरा यानी कि जीरा और काली मिर्च, और ये बिल्कुल विलेज स्टाइल मटन कढ़ी बना रही हूँ मैं। और आज मैंने साड़ी वेयर नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को भी सपोर्ट कीजिएगा। और अभी हो रहा है इवनिंग का समय है, बट अभी से ही मैं खाना बना रही हूँ क्योंकि लाइट हो गया है ऑफ, और इन वो जैसे बारिश हुई तो बहुत ज्यादा मतलब आंधी तूफान आने लगी तो लाइट हो गया है ऑफ, इस वजह से सोच रही हूँ जल्दी से खाना बना लूंगी ताकि इन्वर्टर कभी भी मतलब टीटी करने लगेगा जवाब दे देगा इन्वर्टर। यहाँ पे मिर्ची ले रही हूँ, यहाँ लहसुन की कलियाँ मैंने ली है, ये 3 बड़े साइज के लहसुन लिए हैं इसमें, और इसमें मैं ऐड करूँगी यहाँ पे ये जट मस्सी, ये होता है जट मस्सी, वही मैं ऐड करूँगी। मैं इसमें डाल दूंगी मटन में, और मेरा मटन पूरा भून के हो गया था रेडी, देख सकते हैं। फिर मैं डालूंगी ये हल्दी पाउडर, मैंने नमक डाल दिया है और हल्का हल्का पानी देकर भूनूंगी जब तक ये इसका तेल न छोड़ दे तब तक, और बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और मसाला भूंजने के लिए यहाँ पे छोड़ दिया है, और यहाँ पे भी मैं सारे क्लीन कर दूंगी, यहाँ पे जहाँ पे खाना बना रही हो उधर रख दूंगी बर्तन धोने के, तो वो साइड ही अभी बर्तन धो रहे हैं फिलहाल, अभी मैं किचन बना नहीं है तो, और इसको रख दूंगी किचन में। और इसी ये सब फिर मैं देख सकते हैं, मैंने बोला था कि मैं हाथ धोने का बहुत सारा जगह है, और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है फ्रेंड, मैंने उस दिन सिर्फ वही वीडियो शूट किया था और फिर ये इवनिंग से वीडियो मैंने स्टार्ट किया है यहाँ पे, और देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छा भून के हो गया था मसाला रेडी यहाँ पे, और भी मैं भी भूनूंगी, अभी इसका तेल नहीं छोड़ा है तब तक भूनूंगी। उनके हो गया था रेडी मसाला, और फिर इसमें अब मैं ऐड कर दूंगी पानी। तो देखिए फ्रेंड ये बहुत अच्छी तरह से मैंने भून लिया है इसको, सारा तेल भी इसका छोड़ दिया है और ये बन गया है, बस इसमें मुझे पानी डालना है ऐड करना है, और फिर लास्ट में गरम मसाला मैं ऐड करूंगी, ये भून गया है पूरी अच्छी तरह से। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हो गया है भून के रेडी, अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी, और सॉरी इसका एक वीडियो स्किप हो गया, मतलब कि मिस हो गया, नहीं मिल रहा है, तो इसमें अभी मैं पानी ऐड कर दूंगी। तो कैसा लगा फ्रेंड मेरा मटन करी रेसिपी, वो भी विलेज स्टाइल जो मिट्टी के चूल्हे पे मैंने बनाया, तो आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। ये न्यू ब्लॉग है, मैंने अलग तरीके के ब्लॉग बनाया है मिट्टी के चूल्हे पे खाना, ऐसे तो मैंने गैस पे हीटर पे ये सब पे बना के दिखाया है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और